अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। मेरठ के तेजी से बिगड़ते हालात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को लाइन में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभावी कार्रवाई के आदेश देते हुए लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उधर तेजी से खराब होते हालातों के बीच 4 घंटे पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए मरीज ने इलाज व ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ दिया। बीते दिवस खुद चलकर गए ऐसी ही एक चौकीदार ने कुछ ही घंटे में दम तोड़ दिया था। हालांकि उसे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन संभवतः कोरोना व विभागीय दहशत के चलते उसकी मौत हो गई। भाजपा महानगर अध्यक्ष के PSO विभांशु की मौत के बाद एक बार की लगा था कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग चेतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शास्त्री नगर H ब्लॉक स्थित खरबंदा शॉपिंग हब के संचालक विजय खरबंदा कोरोना पॉजिटिव पाने पर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। मेडिकल कॉलेज के अवस्था का एक ऑडियो उन्होंने जारी कर बता दिया था कि वहां कैसे हालात है और कैसे लोग बिना दवा व खाने के जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। यह बात भी निकल कर सामने आई है कि सरकार ने प्राइवेट को इजाज़त नहीं दी है और सरकारी अस्पताल व वहां मिलने वाली सुविधाओं का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। इस ऑडियो पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने जाँच बैठा दी है। जाँच का जिम्मा भी CMO डॉक्टर राजकुमार व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विश्वास को दिया है। ये दोनों वही अफसर हैं जिनसे मिलना तो दूर, मोबाइल पर बात करना भी बेहद मुश्किल है। अभी यह जांच शुरू नहीं हो पाई थी कि दूसरा ऑडियो जारी हो गया। इसमें पास के बेड पर 4 घंटे पहले लाए गए राजू नामक शख्स के 2 बार बेड से गिरने, उसे किसी स्टाफ द्वारा न उठाए जाने का जिक्र किया गया था। हेलो, विजय किशोर बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा अभी विनोद जी का फोन आया था, मैंने अभी बोला है बेड चेंज करने के लिए। बेड क्या चेंज करूंगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से इस बंदे की वीडियो वगैरह ही करी थी ना मैंने, उसका काम भी नहीं मट गया दिक्कत। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ 10 मिनट के अंदर आपका अगर बेड चेंज ना हो ना तो मुझे एक कॉल कर रहा, मेरे आपसे निवेदन है। सर मैं कॉल तो कर दूंगा, लेकिन अब मन से एक कहते हैं ना, इस चीज को देखते हुए मन तो रह गया। अभी डॉक्टर साहब मेरे सामने खड़े थे। अच्छा, नाम लिखना चालू कर दिया उन्होंने कि हाँ जी मेरे पास फोन आया, पीछे से प्रेशर आया होगा। हाथों खरवंद जी कहाँ है, पूछ रहे हैं मेरे से। मैं कहा नाम वाम मेरा बाद में पूछ लेना, पहले इस मरीज के नीचे गिरा पड़ा, इसको इलाज चालू करो। ठीक है, मैं अभी करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ। इतनी देर में मुझे लगा इनका काम ही खत्म हो गया, इसको ऑक्सीजन लगा के गए हैं जब काम खत्म हो गया। और अभी भी देखने को ही नहीं आया इनमें कोई जान है या नहीं है। ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन चल रही है बस। विजय जी आप नाम लिखने में लगे हैं अभी। ओहो, वो भी नहीं, अब हड़कम बच गया पूरे मेरठ में। एक्चुअल में मैंने तो कल आपकी, अगर मैं कल आपका जो बातचीत थी ना कल, मैंने जानबूझ के मैंने हड़कम मच जाएगा, मैंने वायरल नहीं करी। मैंने कहा एक बार देखते हैं, कोई आपसे भी सूचना नहीं आई। तो विनोद ने जब आपसे बात करी ना, विनोद जी ने, मैं थोड़ा सा इसलिए हो गया था, मैं कहा चल मैंने आगे भैया को और विनोद जी से कहा था कि भैया कोई प्राइवेट के अंदर काम हो जावे तो चीज को देख ले। तो विनोद जी ने जो वायरल करी है अब, उसके बाद मैंने भी वायरल कर दी कल वाली वीडियो, तो पूरे तो न्यूज में भी आ गई ना। अब आप लखनऊ तक पहुँच गई बात। अगर आपका बेड 10 मिनट के अंदर जो आप चाह रहे हो ना चेंज हो, तो मुझे इसी नंबर पर कॉल कर। सरकार एक बताओ, मुझे बेड चेंज करने का फायदा क्या मिलेगा? नहीं, आप क्या चाह रहे हो बताओ ना, मुझे नहीं आएगा इस समय फिलहाल। मैं तो सोच रहा हूँ मुझे प्राइवेट के अंदर कोई मिल जाएगा, मैं तो वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। अगर कोई पावर से या किसी चीज से भी, चाहे यहाँ हो या दिल्ली हो, तो अगर पावर से मिल जावे तो थोड़ा तो वो पावर इस्तेमाल कर लो। चलो अभी लो, अभी लो। मतलब आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहते? मैं जाने रहने ही नहीं चाहता, दिमाग ऐसा हो गया इन्हें और देख के बराबर में। मतलब ये जो आपको लगता है कि इसके प्राण निकल गए हैं बस। हाँ, ओहो, 99% लग रहा मुझे। अच्छा, ये तो सारी बड़ी लापरवाही है यार, बड़ी लापरवाही है भैया। भगवान ना करे अगर मेरे को कल को जैसे आदमी क्या करेगा, दिक्कत हो रहा है ना, दूसरा आदमी भी हो। आपकी दिक्कत ये है ना, आपके आसपास तो सारे पॉजिटिव लेटे हैं ना, ये भी तो परेशानी है। हाँ जी, ये संक्रमित सारे वाड़ी वही और सारे वही लोग हैं, और अपने को इलाज ना हो तो जान को खतरा है, वही वाली कहानी है जी।
अभी भी जो एक डॉक्टर आए हैं मैं सबसे, वो अभी तक नाम लिख रहे हैं कि किसका क्या नाम है, क्या दिक्कत है, अभी भी उसे कोई देखने नहीं आ रहा कि उसका क्या हुआ है अभी है नहीं। वो डॉक्टर यहाँ पर है चला गया डॉक्टर? हाँ शायद आएंगे। तो मेरी बात कराओ से, आपके लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं ना, वो एक साफ सुथरे में अलग से। मेरी बात कराना जरा इससे। नहीं बाहर से फिर कोई अंकल अगर कुछ गया था विस्तार बन जाए बाहर की। हाँ जी वो तो फिलहाल, तो हाल फिलहाल में 5-10 मिनट आधा घंटा एक घंटा तो आपको रिलैक्स हो। चलो जी हो गया काम उनका, तो निपट गया। वो निपट गया? हाँ जी निपट गया। मर गया आदमी मतलब, डिक्लेयर कर दिया ना मैं कैसे? हाँ जी 75 गए थे ऊपर से उसका। ओफो ये तो भैया बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अरे भैया चलो चलो मैं कर रहा हूँ बात। ओके अब उसके बाद दो और वीडियो जारी हो गए हैं। यह वीडियो उन्होंने शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट अध्यक्ष किशोर वाधवा को जारी किए हैं। किशोर वाधवा ने बताया कि वहाँ की दशा बेहद ख़राब है, इस मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसे कोई देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, इतना करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ। इनका नाम राजू है, राजू होने के बावजूद तीन पलंग से नीचे गिर गया, एक घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बैठा दीजिए, कोई एक्शन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया, ठीक है ना, कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। वह सामने मौत आते देख बराबर प्राइवेट इलाज कराने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं खरबंदा के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोरोना संक्रमित राजू की क्या दशा है और कितनी चिकित्सीय सुविधा उसे स्वास्थ्य विभाग का चरमरा रहा सिस्टम दे रहा है। वहाँ डॉक्टर पीयूष ड्यूटी पर तैनात है लेकिन मात्र दिखावे के लिए। दरअसल हर एक को अपनी जान की चिंता रहती है। इस खबर में आज इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखेगा क्योंकि यहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, अपना खुद ख्याल रखें। इस खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों व अपडेट के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।